हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या करें। नहीं, इस वीडियो में हम लोग अपने कुछ विलेजर्स को अपग्रेड करने वाले हैं। मैंने बहुत सारे विलेजर्स को इस वाले में ला के रखा है, पैक करके इसको निकालो यहाँ से। मिला, इंक शैक मिल गया है। तो अपने विलेजर लोग के साथ पिछले बार मैं इसे आधा बना के मैंने वीडियो बंद कर दिया था। ये रहा मेरा कुछ तरीका, ये पिस्टन वगैरह है, तो इसकी मदद से हम लोग विलेजर्स को मैंने यहाँ ट्रांसपोर्ट किया है। लेकिन अब मैंने वहाँ पे वो रेल वाला सिस्टम लगा दिया, तो अब ज़्यादा आसानी होगी। मैं अंदर ले जाके आपको दिखा देता हूँ कैसे मैंने इसे बनाया है। बनाते हुए तो मैंने दिखाया था कि कैसे कैसे बनाया इस सब चीज़ को, इसे अपग्रेड कर दिया। यहाँ पे ये सब लगा के जोम्बी वगैरह इसमें नहीं घुस पाए। और इससे ये फ़ायदा हुआ है कि इस साइड से मैं दिखा देता हूँ कि ये लोग अपना काम कर सकते हैं, लेकिन मैं जाते वक्त इसे पैक कर दूंगा तो स्केल्टन वगैरह से इनको खतरा नहीं रहेगा। ये और मैंने और बहुत से कांड किए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसे देखो, मैंने इसे पूरा अपग्रेड कर दिया है। कुछ टूल्स वगैरह भी हमने खरीदा था। और ये रहा हमारा आर्मरर, ये है हम लोग का टूल स्मिथ, ये हम लोग को कंप्लीट डायमंड टूल बेच रहा है। ये क्लरिक को अपग्रेड कर रहा था मैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आप लोग के सामने अपग्रेड करेंगे अपने फेल्यूर को, क्योंकि तो ये क्लरिक जो है हर बार एंडर पल्स नहीं बेचता है। और हम लोग जो है नेदर में अभी तक एक्सप्लोर हम लोग ने नेदर नहीं किया है, क्योंकि हम लोग को चाहिए ब्लेज रॉड्स फॉर आई ऑफ एंडर। तो इस वीडियो में हम लोग यही करने वाले हैं। अपने यहाँ पे देख सकते हो विलेजर है, इसमें ये वाला विलेजर मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि ये मुझे बेच रहा है मेंडिंग। ठीक, आप लोग सोच रहे हो कि बस हो गया मेंडिंग, ये चारों है ना, ये चारों मुझे मेंडिंग नहीं बेच रहा है, यही दूसरा बुक जो बेच रहा है ये भी मुझे मेंडिंग बेच रहा है। ये दोनों बुक मेंडिंग है। ये पंच टू और इन सबको मैंने अभी तक कंप्लीट अपग्रेड नहीं किया, फ्लेम वगैरह है, तो मैंने अपने बुक पे लगा लिया। स्माइट 5 अनब्रेकिंग 3 है ये, तो अनब्रेकिंग 3 कहाँ से मिला मुझे, माइनक्राफ्ट से शायद मिला था क्या, हो सकता है माइनक्राफ्ट से मिला हो। हाँ, मुझे एक माइनक्राफ्ट भी मिली, यहाँ नहीं उस साइड सीधे माइन करने पे वो माइन शाफ्ट मिली थी, उधर अंदर अंदर एक रिवीन है उसके अंदर वो माइन शाफ्ट थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्माइट 5 मुझे ये बेच रहा है, इधर मुझे लूटिंग 3 बेच रहा है, और स्माइट 5 और ये अनब्रेकिंग 3 है, तो मैं लगा लूँगा उसे अपने उस पर। ये स्वॉर्ड पे तो अनब्रेकिंग 3 है मेरे पास। हाँ, अनब्रेकिंग 3, बैन ऑफ आर्थर पोर्ट 4, नॉक बैक 2, ये आर्मर वगैरह। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, हाँ ये सही रहेगा कि मैं कंप्लीट डायमंड टूल और कंप्लीट डायमंड आर्मर और साथ ही साथ इसे भी कंप्लीट करूं क्या। हाँ, ये अच्छा चैलेंज है। तो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डायमंड करने वाले हैं हर टूल हर चीज़ को। यहाँ देख सकते हो मेरे पास ये मेरा नया आर्मर है। अब ये नया आर्मर मैंने क्यों बनाया, क्योंकि तो मैंने अपना पुराना आर्मर जो है खोल के एक चेस्ट में रखा था, इसमें या इसमें किसी में, और मैं मुझे जैसा लगता है कि मैंने इन्हीं दोनों में लगा, लेकिन मैं जब आके देखा तो मुझे दोनों में से किसी में नहीं मिला, पता नहीं कहाँ चला गया वो। अब उसकी आत्मा को शांति देना पड़ेगा हम लोग को। और हम लोग आयरन फार्म भी बनाने वाले हैं, मे बी अगले वीडियो में हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डायमंड का गियर लेने वाले हैं। तो हम लोग पहले एक चेस्ट बनाते हैं और उसमें रखते हैं अपना डायमंड के साथ। देखो ये अपग्रेड करने में कितना कितना एक्स खरीदना पड़ा हमको। और डायमंड आर्मर अब हम लोग को लेना है। तो डायमंड आर्मर लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गाछ वृक्ष मैंने उगा दिया, तो यहाँ पे जितने भी वुड है मेरे पास मैं इन सब का स्टिक बना के फ्लेचर को भेज आता हूँ। वी डोंट केयर, हाँ बाकी सब रहने देते हैं, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए ना। ठीक है, स्टिक्स हो गए, और थोड़ा फार्मिंग भी करेंगे हम लोग इस वीडियो में, क्योंकि हम लोग को आज कंप्लीट डायमंड गियर करना है। और एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें हम लोग पास परफेक्ट इंचेंटमेंट होगी हर एक टूल पे। मतलब ये सीरीज चलने वाली है जब तक मैं नहीं मरने वाला हूँ उसमें। ये पहले से ही जानता था मैं लेके आ रहा हूँ, देखो स्मार्ट है, तेज है बंदा। इधर अभी दाम घटा देना चाहिए, ये अपग्रेड हो रहा है।
पावर वन। इसे हम लोग ले लेते हैं जितना ये दे रहा है। एमराल्ड हाँ, इसमें एक और मैं अगर इन विलेजर्स को क्योर करता हूँ तो भी ये लोग मुझे सस्ते में देंगे, तो ये सब भी हम लोग ट्राई करने वाले हैं। ये मुझे पता है, मैंने पिछले बार किया था अपनी सर्वाइवल सीरीज, अगर आप लोगों ने मेरी देखी है तो मैंने वहाँ पे ये सब किया हुआ है कांड। तो इस आइलैंड को थोड़ा सा इस साइड एक्सपेंड करेंगे हम लोग, यहीं पर क्योर वगैरह का काम करेंगे। रात होने को आया है तो मेरा बेड यहाँ है, मैं सो लेता हूँ और अगले दिन फार्मिंग का अपना मतलब सब सामान लेके और फिर बेचने आऊँगा यहाँ से। शुगर केन है तो शुगर केन भी हम लोग का सेल हो जाएगा, ये लोग खरीद लेंगे। मैं इसको बेचूँगा ये मेंडिंग वाले को, या इन लोग को भी देखेंगे अपग्रेड करके क्या मिलता है। ये स्माइट 5 वाला को करूँगा मैं। अच्छा, मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई है, कहीं पर मुझे ये पता नहीं चला कि स्माइट 5 ज़्यादा अच्छा होता है या फिर शार्पनेस 5। तो अगर तुम में से किसी लोग को, किसी को भी ये बात पता है तो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे तो स्माइट ऐसे अच्छा लगता है लेकिन शार्पनेस अगर अच्छा है तो ये बताओ मुझे। तो ये कैरेट और पोटैटो निकला है वहाँ लगाने के बाद जो बचा है, तो इसे जाके हम लोग बेच आते हैं। अब तक तो वो स्टिक दोबारा लेना शुरू कर दिया होगा उसने, और मेरे पास बहुत ज़्यादा शील्ड भी है, देख सकते हो, दिक्कत नहीं है शील्ड की। ये 12 स्टिक बचा था बस। हाँ, ये हो वो वगैरह यहाँ पे जितना चीज़ है मेरे पास सब अपग्रेड करने के कारण मिला। ये हम लोग का एमराल्ड। हाँ, वीडियो के बीच में मेरा आवाज़ बड़ा अजीब जैसा हो रहा है। हाँ बोल। और एक अच्छी बात और है कि ये जो है मुझसे पम्पकिन और मेलन दोनों चीज़ ले रहा है, तो अगर मैं भविष्य में बनाता हूँ पम्पकिन या मेलन का फार्म तो मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है। ये अपग्रेड हो गया पूरा। ओके, सस्ते में बेच रहा है ये तो। We don't care. कितने का है ये? ये तो नॉर्मल हो गया फिर से। बहुत महंगे में बेच रहा है। Unbreaking 2 protection ठीक ठाक enchantment है स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। चलते हैं अभी इसको ले लेते हैं हम लोग। ये हुआ leggings और हम लोग को कितना चाहिए लगभग 40 एमराल्ड, 40 नहीं मतलब कंप्लीट भी नहीं हुआ कवर में भी डायमंड्स। हमारे पास लेवल 52 है ना, तो भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो मैं एक और विलेजर को ले आता हूँ जिसे मैं फ्लेचर बना दूंगा, वो जाएगा यहाँ। बॉय और उसे भी हम लोग बेचेंगे स्टिक्स। या पेपर भी बचा हुआ है ना, हम लोग को पेपर भी बेचना है, पेपर मैं लेके आता हूँ। लेंटर्न बुक के वगैरह मतलब बुक के साथ ये। अच्छा हाँ, बाकी इसे देखते हैं कितना ये अपग्रेड होता है। वाह, एक पेपर के लिए सस्ता हो जाने एक ना, नहीं होगा। ये स्टिक ले रहा है वापस ना ना ना। इसे भी हम लोग को अपग्रेड करना है। तो क्या बेच रहा है भाई? तो
दो, इसको ही बंद करो। तो लगता है मुझे कि मेरे पास एनफ एमरल्ड्स हैं ये कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा क्या बचा था, बूट और हेलमेट, ये दो चीज़ बचे थे। 5 एमरल्ड हमारे पास बचा है, इससे हम इस टकलू को अपग्रेड कर देते हैं। लेपिस लेपिस ले लेते हैं, लेपिस। हाँ तो उसको भी अपग्रेड करेंगे, लेकिन इस वीडियो का गोल था हम लोग को डायमंड आर्मर कंप्लीट करना और अपना वो जिसे क्या कहते हैं उसे, डायमंड टूल्स। तो बाकी सब कचरा को हम लोग वापस डालेंगे पेटी में। इधर जाओ इधर जाओ। हटो। इसे उतारो। हमारा डायमंड टूल सारा ऐसे बो है, वो एन्चांटेड नहीं है। इसका चरा कुछ में डालो। और पहला फोटो लेते हैं हम लोग, कैसे लग रहे हैं। जैसे लग रहा है कि भुना हुआ भुट्टा के ऊपर जो है उजला उजला नीला नीला कागज लपेट दिया गया है। भुट्टा जो लोग नहीं जानते हैं वो, मैं वो जो नहीं होता है जिससे पॉपकॉर्न वगैरह बनाया जाता है, जो होता है उगता है, मेज जिसे कहते हैं ना, वही उसका मैं बात कर रहा हूँ। कॉर्न, हाँ कॉर्न कॉर्न। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक मारो, नए हैं तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग अपने क्लेरिक को अपग्रेड करेंगे, एंडर पल्स निकल पाएंगे उसके गर्दन पे चाकू देके, नेदर जाएंगे। मैं पहले तय कर लेता हूँ, नहीं तो मैं फिर भूल जाता हूँ। नेदर जाएंगे, मेरा पोर्टल किधर है दिख ही नहीं रहा। नेदर जाएंगे, ब्लेजर रॉड इकट्ठा करेंगे, मतलब फोर्ट्रेस ढूंढ के। पता नहीं फोर्ट्रेस मिलेगा नहीं, इतना खतरनाक स्पॉन मुझे मिला है नेदर में, क्रिम्सन बायोम। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये टूट रहा था क्या? हाँ।